वालेकुम स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.1 का जो पहला पोर्शन था कि सॉल्व द इक्वेशंस विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन, वो किया था। आज हमने दो और मेथड सीखने हैं, कंप्लीटिंग कैसे कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं कंप्लीटिंग स्क्वेयर मेथड की तरफ आता हूँ। ये टोटल 6 क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चंस मैं कर देता हूँ, 2 बाकी आपकी होम असाइनमेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 89 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हमने कंप्लीटिंग स्क्वेयर मेथड से सॉल्व करना है। कंप्लीटिंग स्क्वेयर मेथड का जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि आपने जो कांस्टेंट टर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसको राइट हैंड साइड पे लिखना है। एक्स स्क्वेयर माइनस 2x इज इक्वल टू 899। ये पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में एक्स स्क्वेयर का कोफिशियंट हम प्लस 1 बनाते हैं, तो यहाँ पहले ही 1 है तो सेकंड स्टेप हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पहले स्टेप में क्या करना है कि जो कांस्टेंट टर्म है राइट हैंड साइड पे लिखनी है। सेकंड स्टेप में एक्स स्क्वेयर टर्म का कोफिशियंट प्लस 1 बनाना था, लेकिन ये चूंकि पहले ही है इसलिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। अब हम स्टेप नंबर 3 की तरफ चलते हैं। स्टेप नंबर 3 में एडिंग 1/2 कोफिशियंट ऑफ एक्स। कोफिशियंट ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है, 2। 1/2 कोफिशियंट ऑफ एक्स होल स्क्वेयर, इसको अगर हम सॉल्व करें, ये 2 से कैंसिल आ गया, तो 1 का स्क्वेयर ऑन बोथ साइड्स। वी विल गेट एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1 का स्क्वेयर, इस साइड पे भी ऐड कर दें, 899 प्लस 1 का स्क्वेयर इस साइड पे भी ऐड कर दें। तो ये देखें, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, ये कंप्लीट स्क्वेयर हो गया हमारे पास, x माइनस 1 का होल स्क्वेयर है। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab इज इक्वल टू 899 प्लस 1 का स्क्वेयर, तो ये 900 आ जाएगा। अब हमें वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर दिस पर्पस वी विल टेक स्क्वेयर रूट, क्योंकि ये स्क्वेयर हमने ख़त्म करना है। बाय टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स वी विल गेट एक्स माइनस 1 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 900। बाय टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड, जब भी स्क्वेयर रूट लेते हैं साथ प्लस माइनस लिखते हैं, ये स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से कैंसिल, एक्स माइनस 1, इसको कैलकुलेटर से 900 का स्क्वेयर रूट लीजिएगा तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 30। उसके बाद एक दफ़ा हमने प्लस लेना है, एक दफ़ा माइनस लेना है। वी विल गेट एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 30, ये एक दफ़ा प्लस ले लिया, और एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 30। यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, 1 इधर माइनस हो रहा था जाके ऐड हो जाएगा। वी विल गेट एक्स इज इक्वल टू 30 प्लस 1, एक्स इज इक्वल टू 31। इसी तरह ये 1 इधर माइनस हो रहा था जाके ऐड हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस 30 प्लस 1, वी विल गेट एक्स इज इक्वल टू माइनस 21। तो ये आपका सॉल्यूशन सेट है, 31 कॉमा माइनस 29। ये ध्यान में रखिएगा, आप मैट्रिक में भी पढ़ के आए हुए हैं कि सॉल्यूशन सेट के एलिमेंट्स को आप आगे पीछे लिख सकते हैं। इसको अगर आप यूं भी लिख दें तो कोई हर्ज नहीं है, दोनों ही आंसर्स ठीक हैं। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट कैन बी चेंज्ड। स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 14 में करने लगा हूँ। 2x स्क्वेयर प्लस 12x माइनस 110 इज इक्वल टू 0। कंप्लीटिंग स्क्वेयर मेथड से हमने इसको सॉल्व करना है। तो स्टेप नंबर 1 पहले भी बता चुका हूँ। पहले स्टेप में क्या करना है कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट हैंड साइड पे लिखना है। 2x स्क्वेयर प्लस 12x इज इक्वल टू 110। सेकंड स्टेप में कंप्लीटिंग स्क्वेयर मेथड से, सेकंड स्टेप में आपने एक्स स्क्वेयर का कोफिशियंट हमेशा प्लस 1 बनाना है। यहाँ 2 है तो ये 2 ख़त्म करने के लिए हम पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग बाय टू 110 डिवाइडिंग बाय 2, वी विल गेट
एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स इज इक्वल टू 5 to 10 एंड 5 to 10। अब आते हैं स्टेप थ्री की तरफ। एडिंग 1/2 कोफिशियंट ऑफ एक्स, कोफिशियंट ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है 6 होल स्क्वेयर। इसको सॉल्व करें तो ये आता है 3 का होल स्क्वेयर। देखें ये 2 और ये 6, 3 2 6 ये कैंसिल हो गया। एडिंग 3 होल स्क्वेयर ऑन बोथ साइड्स, वी विल गेट एक्स स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 3 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 55 प्लस 3 होल स्क्वेयर। तो ये देखें ये ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab है, वी विल गेट ए प्लस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये 9 आएगा, 9 प्लस 55 विल बी इक्वल टू 64। हमें x की वैल्यू चाहिए स्क्वेयर ख़त्म करने के लिए, स्क्वेयर रूट लेंगे। बाय टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड वी विल गेट, जब स्क्वेयर रूट लेते हैं प्लस माइनस लिखते हैं, ये स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से कैंसिल, x प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 8। कैलकुलेटर से फाइंड कर लीजिएगा। अब इसको एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, x प्लस 3 इज इक्वल टू 8 और x प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 8। यहाँ से x की वैल्यू चाहिए, 3 ऐड हो तो जाके माइनस हो जाएगा, वी विल गेट 8 माइनस 3 एक्स इज इक्वल टू 5। यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 8 माइनस 3 एक्स इज इक्वल टू माइनस 11। तो ये आपका सॉल्यूशन सेट आ गया 5 एंड माइनस 11। जी स्टूडेंट्स, हम पे दो मेथड्स यूज़ कर चुके हैं, फैक्टराइजेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं और कंप्लीटिंग स्क्वायर से कैसे करते हैं। अब ये थर्ड मेथड है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो फॉर दिस पर्पस फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंपेयर इट विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। जब भी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूले की हेल्प से सॉल्व करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लें। यहाँ एक्स का कोएफिशिएंट 5 है, यहाँ एक्स का कोएफिशिएंट ए है, तो यहाँ से ए बी सी की बेसिकली हमने वैल्यूज निकालनी है। ए विल बी इक्वल टू 5, ये आप मैट्रिक में करके आए हुए हैं। यहाँ एक्स का कोएफिशिएंट बी है तो बी विल बी इक्वल टू माइनस 13 एंड सी इज इक्वल टू 6। फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a। इस फार्मूले में हम a, b, c की वैल्यूज निकाल चुके हैं, ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे, वी विल गेट x इज इक्वल टू माइनस बी, बी की वैल्यू आपके पास 13 माइनस 13 है माइनस बी, प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 13 का स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए, ए की वैल्यू आपके पास 5 है, इंटू सी, सी की वैल्यू आपके पास 6 है ओवर 2 इंटू ए, ए की वैल्यू आपके पास 5 है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 13, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 13 का स्क्वायर आ गया 169 माइनस 120, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 120 आ जाएगा, ओवर 5 2 10। यानी x इज इक्वल टू 13 प्लस माइनस 169 में से 120 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 49। कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, ओवर 10 वी विल गेट एक्स इज इक्वल टू 13
प्लस माइनस 7/10। अब इसको एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, वी विल गेट x इक्वल टू 13 + 7/10 और x इक्वल टू 13 - 7/10। वी विल गेट x इक्वल टू 20/10। यहाँ से x इक्वल टू आ गया आपके पास 2। x इक्वल टू 13 में से 7 को माइनस किया तो 6/10, 2 से दोनों को कैंसिल कर लिया, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को वी विल गेट 3/5। सॉल्यूशन सेट विल बी 2 and 3/5। स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, इसको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेल्प से सॉल्व करना है। इसके लिए हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके साथ कंपेयर करेंगे। ax² + bx + c = 0। इस क्वेश्चन में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सपोज अगर हम ऐसे ही कंपेयर करते हैं तो यहाँ एक्स स्क्वायर कोफिशियंट ए है इज इक्वल टू यहाँ एक्स का कोफिशियंट ए प्लस बी है, तो दोनों के कोफिशियंट में ए इस्तेमाल हो रहा है, तो ये आपका कैंसिल करने को दिल करेगा तो ये गलत हो जाएगा। इसके लिए इसको डिफरेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं a² + b² + c, ताकि दोनों के कोफिशियंट्स थोड़े से डिफरेंट हो जाएं। अब हम कंपेयर करते हैं, जब कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a + b, b′ = a + 2b + c, and c′ = b + c। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, जब आपने इसके कोफिशियंट a′, b′, c′ लिए हैं तो फार्मूले में लिखेंगे फिर -b′ + -b′² - 4a′c′/2a′। इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं, x = -b′ की जगह वैल्यू आ गई a + 2b + c + a + 2b + c² ये आ गया हमारे पास b² - 4 * a की जगह पे आ गया a + b और c की जगह पे आ गया हमारे पास b + c / 2 * a′ की जगह पे आ गया a + b। मैंने क्या किया है, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा है, उसमें a′, b′ और c′ की वैल्यूज़ पुट गई हैं। अब क्या करूँगा मैं, अगले स्टेप में ये स्क्वायर ओपन करूँगा और ये ब्रैकेट्स ओपन करूँगा। तो देखें, ये आ गया हमारे पास x = -a + 2b + c + a + b + c का मैं स्क्वायर ओपन करने लगा हूँ, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ये सिर्फ इतना स्क्वायर मैंने ओपन किया है। अब 4 को पहले a + b और b + c को मल्टीप्लाई करूँगा, फिर 4 को मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास आ जाएगा, यही मैं एक ही स्टेप पे दोनों काम करने लगा हूँ, -4ab - 4ac - 4b² - 4bc। ये आपके पास आ जाएगा over 2 into a + b। ये सारा जो है ये स्क्वायर रूट के नीचे ही है, जगह कम थी इसलिए मैंने ऐसे लिख लिया है। आप देख लें, ये +4ab और ये -4ab कैंसिल, ये +4bc और ये -4bc कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा x = -4ab
ए प्लस टू बी प्लस सी प्लस माइनस। यहाँ पे ये एक टर्म और कैंसिल होती हो रही थी, प्लस फोर बी स्क्वेयर एंड माइनस फोर बी स्क्वेयर, ये भी कैंसिल कर दें, हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। ये माइनस फोर ए सी में से टू ए सी माइनस किया तो ये आ गया माइनस टू सी ए ओवर टू टाइम्स ए प्लस बी, तो एक्स विल बी इक्वल टू माइनस ए प्लस टू बी प्लस सी प्लस माइनस, तो ये आपके पास सी माइनस ए होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस टू ए सी। इसको सी माइनस ए होल स्क्वेयर लिख लें या ए माइनस सी होल स्क्वेयर लिख लें, एक ही बात है, इससे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से कैंसिल, बोर्ड में जगह कम है, मैं एक दफ़ा इसको प्लस लूँगा और एक दफ़ा माइनस लूँगा ताकि इधर ही क्वेश्चन को वाइंड अप करूँ। माइनस ए प्लस टू बी प्लस सी, एक दफ़ा प्लस ले लिया है, सी माइनस ए ओवर टू इंटू ए प्लस बी, और फिर एक्स इक्वल टू माइनस ए प्लस टू बी प्लस सी, एक दफ़ा माइनस लेने लगा हूँ सी माइनस ए ओवर टू इंटू ए प्लस बी। इसको देख लें ज़रा, ये ब्रैकेट्स ओपन करें, माइनस ए माइनस टू बी माइनस टू सी माइनस सी प्लस सी माइनस ए ओवर टू टाइम्स ए प्लस बी। ये प्लस सी और माइनस सी कैंसिल हो गया, ये माइनस ए और माइनस ए माइनस टू ए माइनस टू ए माइनस टू बी ओवर टू टाइम्स ए प्लस बी। ऊपर से माइनस टू कॉमन ले लें, हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी ओवर टू इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी ए प्लस बी से कैंसिल, टू टू से कैंसिल, तो ये आ गया माइनस वन। इसको देखें ज़रा, एक्स विल बी इक्वल टू माइनस ए माइनस टू बी माइनस सी प्लस ए ओवर टू टाइम्स ए प्लस बी। अभी आपके पास माइनस ए और प्लस ए कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया एक्स इक्वल टू माइनस टू बी माइनस टू सी ओवर टू टाइम्स ए प्लस बी। इसके बाद यहाँ जगह है, मैं इसको यहाँ ले आता हूँ, एक्स विल बी इक्वल टू, ऊपर से माइनस टू कामा ले लें, हमारे पास आ जाएगा बी प्लस सी ओवर टू इंटू ए प्लस बी, तो ये टू टू से कैंसिल, एक्स विल बी इक्वल टू माइनस बी प्लस सी ओवर ए प्लस बी। तो एक्स की दो वैल्यूज आ गई हमारे पास, एक ये है और एक हमने एक्स की ये वाली वैल्यू फाइंड की हुई है, तो सॉल्यूशन सेट विल बी माइनस वन एंड कॉमा माइनस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी, ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया। तो स्टूडेंट, आज हमने पहली एक्सरसाइज वाइंड अप कर ली, उसके टोटल 20 क्वेश्चंस थे जो हैं, कुछ पार्ट्स हमने फैक्टराइजेशन से सॉल्व किए, कुछ हमने कम्पलीटिंग स्क्वेयर से किए और कुछ हमने जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया है। कल से इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे।